हेलो बच्चों, वेलकम बैक नॉलेज के एबीसी। आज हम हरियाणा बोर्ड का क्लास प्लस टू का कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है उसका डिज़ाइन और पैटर्न देखेंगे कि बोर्ड में कैसा पेपर आता है, कितने मार्क्स में क्या क्वेश्चन आते हैं, कौन सी यूनिट की क्या वेटेज है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लस टू क्लास का जो हरियाणा बोर्ड का कंप्यूटर साइंस का पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है और 40 मार्क्स का होता है। बाकी इसमें प्रैक्टिकल होती है तो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि प्रैक्टिकल में अच्छे खासे नंबर आपके लग जाते हैं, मोर देन 95% 90% तक सबके नंबर लग जाते हैं। तो 40% की जो थ्योरी होती है उसमें आपका क्या क्या आता है, इसमें देखिए आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, 4-4 नंबर वाले ऐसे टाइप जो हैं, 16 नंबर बनते हैं, और 6 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर वाले आएंगे 12 नंबर का, 4 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर वाले वेरी शॉर्ट आंसर, और ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एक आता है उसमें 8 पार्ट होंगे, यानी 8 ही क्वेश्चन हो गए 1-1 नंबर वाले, 8 नंबर का ही हो गया। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन और 40 मार्क्स, टाइम आपका 3 घंटे का है, टाइम भी बहुत है 40 मार्क्स के हिसाब से। अब इसमें यूनिट वाइज देखें तो चैप्टर प्रोग्रामिंग इन C++ सबसे ज़्यादा वेटेज की यूनिट है, 10 नंबर का आएगा यहाँ से, और डाटा स्ट्रक्चर थ्रू C++ 5 नंबर का यहाँ से बनता है, डाटाबेस कंसेप्ट एंड SQL कमांड्स ये आपका 8 नंबर का, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 4 नंबर, कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग एंड इंटरनेट ये 8 नंबर का है, और HTML का जो यूनिट है उसमें से 5 नंबर का आता है। तो इस हिसाब से आपका पेपर जो है सेट होता है। तो ये 3 चैप्टर ही सबसे अच्छी वेटेज के हैं, 10, 8 और ये 8, तो 26 मार्क्स का आपका यहीं से बन जाता है, आपका 65% मार्क्स इन 3 यूनिट्स में से आ जाता है, आधा से ज़्यादा पेपर यहीं से बन जाता है। और जो डिफिकल्टी लेवल है इसका 10% आपका डिफिकल्ट होता है, 50% एवरेज और 40% पेपर इसका ईजी आता है बिल्कुल। तो बोर्ड का कई सालों से यही पैटर्न चलता आ रहा है आपके हर एक पेपर के लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपको आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।